तो आपकी कैसी तैयारी है? हाँ, मैंने कल जाना स्टिच करवाने के लिए। मुझे तो उसकी समझ नहीं आती, रेडीमेड ले ले, एम टाइम पे जाएगी और करेगी, फिर इसका वही टेंशन होती है। नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा। क्या बनवा रहे हो? फ्रॉक। फ्रॉक लॉन्ग। अच्छा, तो आप लोग सब बताना कि आप लोग कैसी तैयारी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। पर मुझे लोग सब ठीक होंगे। सो मैंने एटीएम मशीन पे क्या कहते हैं एटीएम पे मैंने शुरू कर लिया, मतलब मैं भूल गई थी व्लॉग स्टार्ट करना। तो अभी हम लोग आए हैं, कैश निकलवा रहे हैं और लेने जा रहे हैं इनके कपड़े, क्योंकि मेरे कपड़े तो हो गए हैं। और मैं आप लोग को बर्थडे की थीम बता दूँ, बर्थडे की थीम जो है वह है वाइट और पीच कलर की। तो अभी चलते हैं कि कपड़े वपड़े लेते हैं। पे आए हम प्रॉन देखने के लिए, मुझे तो वो बड़ा पसंद आया, छोटा लग रहा है, छोटा लग रहा। सो अभी हम लोग आए हैं इनके कपड़े लेने के लिए, और लास्ट टाइम भी हम इन्हीं दिनों मतलब काफ़ी मतलब बिजी थे, शॉपिंग वगैरह ये सब के, पता है शादी हुई थी हमारी। देखते हैं जिनसे हमने इनके मेहंदी का सिलवाया था ना, उनसे इनका ड्रेस वगैरह हम स्टिच करवाएंगे। सो अभी हम लोग यहाँ पर आए, कौन सी मार्केट है? कोपर मार्केट। कोपर है ना? मार्केट आए पहले, वहाँ सदर मोची मोची बाजार। हाँ मोची। तो चिकन की शर्ट का कपड़ा मिल गया, बहुत अच्छा मिला, मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल सेम जैसा ड्रेस है ना वैसा मिल गया। अभी देखते हैं पैंट का कपड़ा, क्योंकि स्टिचिंग सही रहती है, रेडीमेड लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये वाइट पैंट के लिए देख रहे हैं, स्ट्रेच में चाहिए मुझे पैंट। इधर देखो, यहाँ पर ना कपड़ा वगैरह हम लोगों ने कर लिया पसंद, और थोड़ी सी इनकी बहस हो गई थी, इन लोगों को पता है इतनी महंगाई चल रही है प्राइस को लेकर, लेकिन मान गए हैं भाई, अब स्टिचिंग करवा लिया, कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग ऐसे मम्मा के साथ ही आते हैं, जब चीज़ें वीज़ें लेनी होती है ना ऐसी, तो सही बाइकिंग पे बड़ा होता है, सही बाइकिंग करवा लेता है। ले लिए है ड्रेस, अभी जा रहे हैं इनके ड्रेस की स्टिचिंग के लिए, तो कह रहे हैं आगे ही टेलर है तो वो दिखा दे, उसे स्टिच करवा दे, चलते हैं इनका साइज वाइज वो करेंगे। ये लेडीज़ टेलर है, इनका साइज हो रहा है स्टिचिंग के लिए दे रहे हैं। फिटिंग विटिंग सही रखवा लेना, फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो ना। सही रखिएगा, इसकी फिटिंग अच्छी हो। अच्छा मिल गया, मैं बिल्कुल जैसे हमारी मेरी शर्ट के ना उसमें मैं वो शर्ट मैं बता रही थी सबको, क्योंकि हम लोग अम्मी के साथ ही आते हैं ऐसी चीज़ें भी लेने ना, थोड़े मम्मा के साथ हम लोग आए थे, समझ नहीं आते। हाँ हाँ, यहाँ पे खाना खाने के लिए कह रहे हैं, यहाँ पे ना बहुत अच्छा मिलता है टिक्का, जब मैं कमा रहा था ना तब यहाँ से खाते। अच्छा, मैं जितना परेशान हो रहा था ना अपने ड्रेस के लिए, उतनी आसानी से मिल गया है, शुक्र है खुदा का। ये शुक्र है कि मिल गया वो, और कपड़ा ही बहुत अच्छा मिला, शुक्र है कि स्टिच भी हो जाएगा दो दिन में। कल तो नहीं होगा, परसों हो जाएगा, एक ही दिन में ये कर देते, इनका हाथ बहुत तेज है। और आप सब भी बताइएगा आप लोग कैसी तैयारी जा रही है, अभी वैसे पूछो ना जो लोग आ रहे हैं उनकी तैयारी। अभी तो हम लोग मतलब कि इतना बड़ा मीटअप नहीं कर रहे, बस ये इनवाइट किया है, लेकिन फिर भी मतलब मीटअप के जितने लोग आ रहे हैं हमारे पास, मेरे ख्याल से होंगे काफ़ी फैमिली, 100 तक गए, अब देखो कितने बन, मीटअप नहीं है ये नहीं समझना कि मीटअप है, खुदा ने चाहा तो मीटअप भी रखेंगे, बिल्कुल पूरी फैमिली वाला रखेंगे, जगह मखसूस बनाएंगे हम लोग जहाँ पे हम कर सकें और खुली होगी, फिर उसकी जगह हम बाउंसर भी लाएंगे, सही बाउंसर लाएंगे, 2-4 बाउंसर लाएंगे, स्टेज बनाएंगे, फिर उस हिसाब से सारा बहुत अच्छा। ये सब आप लोग की वजह से, हम तो कुछ भी नहीं है, अभी नहीं टाइम कि आप लोगों ने इतनी चाहत दी है, इतनी मोहब्बत दी है कि मैं बयान नहीं कर सकती, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे लोग चाहेंगे, प्यार करेंगे, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा। अभी काफ़ी मुझे लाहौर से मैसेज आए थे, सब बोल रहे थे कि हम लोग लाहौर में रहते हैं, वरना हम लोगों ने आना था, सिटी से देखने वाले बहुत लोग। हाँ, और एक तो सब्सक्राइबर लाहौर से आ रही है, मैंने उनको मना भी किया लेकिन कह रही थी मैंने आना अपने हस्बैंड से लड़ाई करके, और हम लोग बहुत जल्द लाहौर भी आ रहे हैं, वहाँ मिलेंगे आपसे। तो हमारे जो दो सब्सक्राइबर आए थे वो लाहौर की है, कौन से लोग कैसे रहते हैं नाम बोल दूँ मैं, हाँ कोई काफ़ी फेमस जगह है वहाँ पे, तो देखो ट्राई करते हैं यहाँ का टिक्का विक्का कैसा है।
चले जी, खाना वाना हम लोगों ने खा लिया। मैं ब्लॉग बनाना भूल ही गई खाने का दिखाना। बहुत मजे का था, टिक्का नहीं खाया हमने, भूल गई खाने में, इतना मसरूफ हो गया था, भूख लगी। बहुत मजे है। मैंने तो टिक्का आधा भी नहीं खाया, आधे से भी थोड़ा खाया। कबाब भी मेरे ख्याल से एक खाया है लंबा वाला, तो मैं इसको बोल रही हूँ मैं खा ली है, ओवर हो रही हूँ मैं। असल में डाइट कमजोर हो गई, डाइट में ये होता है कि इंसान कम कम खाना खाने का आदत ही हो जाता है, ऐसा लगता है पेट भर। सिर्फ चपाती के दो भुर्कियाँ जो होती है ना वो मैंने ली हैं, बाकी मैंने ऐसे हाथ से खाया। आज मैंने सही खा लिया, पता नहीं गलती से, कोई बात नहीं, क्या हो गया माशाल्लाह से। इन खैर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये चाय ना जो पूरे लॉकडाउन में सब कुछ बनता, लेकिन ये चाय वाला होटल खुला हुआ था कि हम रात के 2-2 बजे आके पीते होते थे, तो चाय वाय पीते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है मैंने कितना खा लिया, और मैंने खाया क्या, थोड़ा सा भी टिक्का मैंने नहीं खाया। नहीं क्यों, थोड़े से चीज़ें वीज़ें कम कर दी है ना, जैसे इंसान डाइट करता है ना, तो फिर क्या होता है कि आप थोड़ा थोड़ा खाते हो, लिमिट में खाते हैं, आपका स्टमक फिर उतना ही बर्दाश्त करता है, डाइजेस्ट उतना ही करता है। आ गई हूँ घर पे, और सर ने यहाँ पे हमेशा की तरह मेरा मेकअप लगाना शुरू कर दिया। रहने दो सर, बार बार मेकअप है, टिकटॉक बनाया लेकिन। हाँ, और सबसे पहले तो सर से आप लोग की मुलाकात होगी जब आप लोग इवेंट पे आओगे, हैं तो रोज रोज अपने व्लॉग शेयर किया करो सर, सब पूछते रहते हैं आपका। और सर जो है ना वो मेरे साथ ही रहेगी, उसका मैं अपने साथ ही रख रही हूँ। तो अभी मुझे पॉमी दे रही है लेंस, तो मैं वो लेने आई हूँ पॉमी से, समझवा दे रही हूँ। तो आप सबको कैसा मैं कंफर्ट करूँगा, और दिखाओ पीछे से बाल, इसने बाल करवाया स्ट्रेट अपने ना, जहाँ से मैंने करवाया ना वहीं से करवाए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। लगता है रोमे भी आ गया, तो उस दिन मेकअप वेकअप ले लेना यहाँ पे लगाने के लिए, सही है ऐसा वाला है। इतना तैयार आप तो, वैसे इतने खूबसूरत लेंस लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, बस रेडी। और ये आए विंडो से, कहाँ गए थे ये, आज कहाँ से आ गए, कहाँ गए थे, मेहमान आए हमारे घर पे, वो देखो जरा कुछ कहाँ है मेहमान। हाँ आजकल सर आती नहीं, ऊपर में बड़ा एटीट्यूड हो गया हमारी सर का। सर वो अपना परफ्यूम नहीं लगाने, हमारा परफ्यूम खत्म करते जा रही है, चादर वगैरह सेट करके आया था वो, क्या उसको बोलते हैं, पूछ के आया हूँ इससे ना, ये क्या इसको बोलते हैं यार, तंबू, तंबू को नाता, फिर कैटरिंग वाले ने, फिर बड़ा महंगा सेटअप है, इससे अच्छा बंदा होल ना करा ले। कितने का बोल रहा है दादा, इसको खोल दो। सो घर पे जो है ना, पता है आ चुकी हूँ, और मैं सेट, मैंने कहा निकाह का पड़ा होगा वो पहन लूँगी वाइट वाला, लेकिन वो जो है ना काला हो गया, अभी निकाला है, ब्लैक हो गया, अभी न्यू लेना पड़ेगा। मैं तो कहती चलो पड़ा होगा तो ईजी रहेगा, लेकिन न्यू लेना पड़ेगा, देखो ब्लैक हो गया। मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई थी, पकड़ो सर। तो मैं ये लेकर आई हूँ क्रॉन, कैसा सर, बहुत प्यारा, पसंद आया, अच्छा लग रहा ना। और भी तो वैसे छोटे थे, मैं कहा नहीं अच्छा, थोड़ा चौड़ा है, रोमी तो कहती इससे बड़ा लो, मैंने कहा नहीं सही है, हेयरस्टाइल वगैरह बनेगा ना अच्छा लगेगा लगा। और ये मैंने ब्रेसलेट लिया, मैचिंग हो गया ना, और ये ब्रेसलेट अच्छा, ये ब्लैक ब्लैक हो रहा है, मिल जाता है वैसे, सेट था तो मैं तो चलो पहन लूँगी, लेकिन मुझे पहले ही लगा था ब्लैक हुआ होगा, चलो ले आओ, गोल्ड मार्क्स मिल जाएगा। मैं तो कहती हूँ आज ही सारी चीज़ें ख़त्म करें, तो सैंडल भी मैं नहीं ले रही, मैंने निकाह की पड़ी है वो नहीं है, 2 मिनट तो पहनी थी, तो वही पहनूंगी, इसके साथ ड्रेस वगैरह पता सब हो गया है, तो बाकी आपने पता ना आपने कैसे चाहिए। सर आपकी कैसी तैयारी है? हाँ मैंने कल जाना स्टिच करवाने के लिए, मुझे तो उसकी समझ नहीं आती, रेडीमेड ले ले, एम टाइम पे जाएगी और करेगी, फिर इसका वही टेंशन होती है। नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा। क्या बनवा रहे हो? फ्रॉक। फ्रॉक लॉन्ग। अच्छा तो आप लोग सब बताना कि आप लोग कैसी तैयारी जा रही है।